अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जादे पाशमी और आज का रिव्यू मैं होंडा सिविक एक्स के कुछ हिडन फीचर्स और कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में करने वाला हूँ जो कि इस लीग की दूसरी गाड़ी में ऑफर नहीं होते। इनमें से फर्स्ट वन है रिमोट विंडोज़ रोल डाउन। आप इस गाड़ी के रिमोट से भी इस गाड़ी की विंडोज़ को रोल डाउन कर सकते हैं। अनलॉक बटन को दो दफ़ा दबाएँ और तीसरी दफ़ा दबा कर रखिएंगे तो इस गाड़ी की विंडोज़ और सनरूफ खुद ही ओपन हो जाएगा। ऐसे और विंडोज को वापस बंद करने के लिए आप की फॉब में से की को निकालेंगे इस बटन को पुल करके और की होल में लगाकर गाड़ी को लॉक कर इसको पकड़ के रखिए तो सारी विंडोज और सनरूफ खुद ब खुद रोल अप हो जाएंगे। सेकेंड हिडन फीचर ये है कि अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डेड हो गई है तो इस गाड़ी में जितने भी ट्रंक रिलीज हैं वो सारे ऑटोमेटिक हैं। अगर आपकी गाड़ी की जंप लीड्स गाड़ी की ट्रंक में पड़ी हैं तो आप ट्रंक को कैसे ओपन करेंगे? की फॉब में से अगेन की को रिमूव कीजिए और गाड़ी के बैक पर यहाँ पर दो इस तरह के पैनल आते हैं जिनको आप अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी की से। लेफ्ट वाले पैनल को लेफ्ट वाले पैनल पर की होल दिया गया है, इसमें आप गाड़ी की को इंसर्ट करें, इसको ओपन करें और यहाँ पर आपके पास एक लैच दिया हुआ है जिसको पुल कर आप गाड़ी की ट्रंक को मैनुअली ओपन कर सकते हैं। ऐसे और ये गाड़ी की ट्रंक ओपन हो गई है। एक और चीज जो मुझे इस गाड़ी में पसंद है वो है इस गाड़ी के रेयर एयर वेंट्स। इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए भी एसी वेंट्स दिए जाते हैं जो कि इस लीग में ऑफर होने वाली किसी भी गाड़ी में नहीं आते, ना कि जैसे कि ग्रैंडे या इस तरह की दूसरी गाड़ियों में रेयर वेंट्स नहीं आते, बट सिविक ये रेयर वेंट्स ऑफर करता है। एक और चीज़ जो मुझे सिविक में पसंद है वो है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स और ब्रेक होल्ड। ब्रेक होल्ड एक ऐसा फीचर है जो कि ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक को रिप्लेस करता है। अगर आप किसी स्टीप रोड पर जा रहे हैं और आपको गाड़ी रोकनी पड़ जाती है तो काफ़ी सारे ड्राइवर्स को गाड़ी दोबारा चलाने में काफ़ी मुश्किल होती है, तो होंडा ने एक ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि आपको इसमें हेल्प करता है। आप ब्रेक होल्ड को दबा दें तो आपकी गाड़ी की ब्रेक लग जाएगी और तब तक लगी रहेगी जब तक आप गाड़ी का एक्सीलरेटर दोबारा नहीं दबाते। जैसे ही आप गाड़ी का एक्सीलरेटर दोबारा दबाएंगे ये ब्रेक खुद ब खुद अनलॉक हो जाएगी और आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। ये चीज़ आपको हिली एरियाज में काफ़ी हेल्प करेगी। जैसे कि इस गाड़ी में मेमोराइजर की आती है तो अगर आपकी गाड़ी बेशक लॉक भी है तो आपको इसको अनलॉक करने के लिए रिमोट से अनलॉक करने की जरूरत नहीं होगी। आप करीब जाएं, चाबी आपके पास है तो ये गाड़ी खुद ब खुद अनलॉक हो जाएगी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।